हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन एडा पर। दोस्तों हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स डिस्कस कर ली है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, कंटिन्यूसली आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरी तरफ से अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो आती है सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस। और दोस्तों ये ट्रिक मैंने पहले क्यों लिखी है, क्योंकि दोस्तों अभी राजस्थान पुलिस का एक जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब ये ट्रिक हमसे क्या कहती है, देखिए दोस्तों, किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 7:4:8 है, और यहाँ 1 और 50 के 300 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों, ताकि आपको इन दोनों के मध्य का अंतर समझ में आए। एक क्वेश्चन आता है सिक्कों का अनुपात और एक क्वेश्चन आता है मूल्यों का अनुपात। तो क्या कंसेप्ट होगा दोस्तों, सुन लीजिए आराम से। जैसे यहाँ है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, तो यहाँ दोस्तों सीधा रेशियो रख लीजिए 7:4:8 रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब आप बताओ 7 × 1 = 7, 5 × 20 में बना 2 रुपये 25 × 8 = 2 रुपये, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के हैं और इन सिक्कों से आपने रुपए बना लिए। क्यों रुपए बनाए, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, बैंक ने अगर आपको राशि रुपए में लिखी है तो आपको भी इनको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही इजी वे में हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, देखिए 7 × 1 = 7 रुपए, 50 × 4 = 200 पैसे, और आप बताओ रुपए कितने, 2, 25 × 8 भी आया 200 पैसे, तो रुपए कितने, 2। अब आप बताइए दोस्तों क्या होगा, 7 और 2 = 9, 9 और 2 = 11, हम तो कह रहे हैं टोटल 11 अनुपात है, प्रश्न कह रहा है टोटल 132 रुपए है। तो आप बता दीजिए यहाँ से 1 अनुपात कितने का पड़ा, 12 का, और 1 12 का पड़ा, तो किसका पूछा है, 25 के सिक्के पूछे, रुपए नहीं पूछे। तो आप गुणा 2 से नहीं कर गुणा 8 से करोगे, तो 25 के सिक्के 12 × 8 कितना, 96। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आप इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते हो। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक चौधरी और आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैथ्स के टॉपिक बाय टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए। और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के ये सिक्के हैं और ये रुपए या मूल्य समझ सकते हो, यहाँ 13:11:7 है। अब एक इजी कंसेप्ट ये सुनिए दोस्तों, क्या आपने यहाँ तो रुपए का अनुपात रखा, सॉरी यहाँ सिक्कों का अनुपात रखा, तो रुपए आपने पता कर ली। आज हमें रुपए का अनुपात दिया है तो हमें सिक्कों का अनुपात पता करना पड़ेगा। और ये दोस्तों मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इसका भाग इसमें कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो रुपए है और ये क्या है, सिक्के। तो इनसे रुपए कैसे बनाएंगे, 13 × 1 करोगे, क्योंकि यहाँ 1 रुपये है तो बने 13 रुपये। 50 × 10, देखिए 11 का दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन आते हैं दोस्तों, तो 2 रुपये में कितना आएंगे, 4, 4 में 8, तो यहाँ रुपये अगर 11 बने हैं तो कॉइन कितने लगे होंगे, 22, क्योंकि सिक्के हैं दोस्तों। और अगर यहाँ 1 रुपये में बताइए दोस्तों 25 के कितने सिक्के आते हैं, 4, अगर 1 में 4 आते हैं तो 7 में कितना आए, 28। अब आप बताइए दोस्तों यूनिट बराबर होगी, 22 और 28 जोड़ेंगे 50 और 13 63, 63:378 के पड़े, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा, 6 का, और किसके सिक्के पूछे, 50 के। तो आप बताइए दोस्तों 50 पैसे के सिक्के होंगे, 22 × 6 कितना, 132। तो ये कंसेप्ट था दोस्तों, आराम से वापस सुन लीजिए, जब रुपए दिए थे तो हमने रुपए पता कर लिए, आज सिक्के दिए हैं तो हमने सिक्के पता कर लिए। यहाँ डबल क्यों किया, क्योंकि 2 सिक्के होते हैं, यहाँ 4 गुना क्यों किया, क्योंकि 4 सिक्के। दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहिए। ट्रिक के 100 नाम की प्लेलिस्ट में आप आराम से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।